भाई नूरे हिदायत का तो किसी को इनकार ही नहीं है मुसलमानों में से। नूरे मुजस्सम उसमें साबित हो तभी नूर का है, हो सकता है। ये किसने कहा, आपकी बात का मानता कौन है, ये किसने कहा? तो आप अगर नहीं मान रहे तो मुझे कॉल। नहीं नहीं नहीं, दलील क्या है इसकी भाई मुफ्ती साहब, आपको ये तो बताएं। तो आपने सबसे पहले इनकार कर दिया नूर का, उसके बाद मैंने आप ये भी नूर की दलील दी, अकीदा तो आपका फिर भी साबित नहीं हो रहा। मैंने नूर मुजस्सम को नूर हिदायत से साबित किया तो आप बोल रहे हैं कि मानता कौन है, तो फिर नहीं मानते हैं तो फिर आप बहस क्यों कर रहे हैं? नहीं, नूर मुजस्सम तो आपका साबित हो ही नहीं रहा ना इससे भाई, नूर हिदायत में तो किसी का इख्तलाफ ही नहीं है। कैसे नहीं साबित हो रहा है भाई, बगैर हिदायत नूरे जिस्म के अलावा बगैर हिदायत का सबूत ही नहीं है। तो नूरे मुजस्सम कहां साबित हो रहा है भाई? अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को जो नूर बनाया उस नूर को नूरे मुजस्सम इस तरीके से बनाया कि वो हिदायत देने वाले। अच्छा नूरे मुजस्सम साबित तो करें मुफ्ती साहब, आप पहले तो पहले इसका दलील तो देना कि नूरे मुजस्सम नहीं है नबी। अरे ये है ना इन्ना मा नबशरु मिन रसूलिकुम, मैं तो मिन अल्लाह है, नूर कहाँ गया? तो यहाँ पर नूर से मुराद नूर हिदायत है। कहाँ नूर से मुराद नूर हिदायत है? कहाँ आपने कहाँ से साबित किया? देखो देखें इसी आयत में नहीं, ये जो आयत नहीं, नहीं, आपने कहाँ से साबित किया? जी, 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 इसी में देखें इसी में देखें इसी में देखें सुने नूर हिदायत उसी की दलील दे रहा हूँ। कद जाकुम मिन अल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्ला यहदी बिहिल्ला कहाँ यहदी बिहिल्ला, हाँ ठीक है यहदी बिहिल्ला में है ना हिदायत अल्लाह की तरफ से हिदायत देते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से हिदायत यानी नूर हिदायत यहाँ साबित हो रहा है, खुद कुरान करीम से साबित हो रहा है, नूर मुजस्सम से साबित ही नहीं हो रहा है। या अहलल किताब कद जाअकुम रुसुलुना युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा तुख्फूना मिनल किताब व यअफू अन कसीरिन कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सूरह मायदा आगे 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 पढ़े ना, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यहाँ तक आयत खत्म हो रही है। मतलब अगले पिछली कोई आयत नहीं पढ़ेंगे आप? पढ़ूंगा मैं, मतलब कुफार कहते वांतुम वो ला तक्रबु सला नमाज के करीब मत जाओ, कुरान में लिखा हुआ है वही मामला। तो ये तो नबी का अमल है, ये तो नबी का अमल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर जो बनाया तो उनका अमल अब शुरू हुआ। अल्लाह के बंदो इसी आयत में इसी अगली आयत में यहदी बिहिल्ला का लफ्ज है यानी नूर हिदायत ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नहीं है। अब ये बताओ यहदी बिहिल्ला हिदायत अल्लाह की तरफ से हिदायत है यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ से दी हुई हिदायत की तरफ बुलाते हैं यानी कुरान की तरफ बुलाते हैं, कुरान की तरफ बुलाते हैं, हम भी बात सही है। कुरान तो नूर हिदायत में तो किसी का इख्तलाफ ही नहीं मुफ्ती साहब, आपको वही ने कहा कि हिदायत कौन देगा ये बताएं आप? अल्लाह देता है, अल्लाह देता है, तो फिर अल्लाह देता है तो नबी को भेजने की क्या जरूरत थी भाई? नबी क्योंकि नबी तक जब अल्लाह हिदायत देता है तो नबी को भेजने की क्या जरूरत थी हिदायत देने के लिए? अब अल्लाह इंसानों को डायरेक्ट कोई समझाता आकर के भाई उन जैसा एक इंसान होना चाहिए ना उनको समझाने के लिए, उनको समझाने के लिए उन्हीं में से कोई इंसान होना चाहिए ना। तो अल्लाह तबारक बताला क्योंकि नबी और रसूलों का सिलसिला ही शुरू करता है ताकि लोगों को एक अपना पैगाम दिया जा सके समझाया जा सके, अल्लाह तबारक बताला डायरेक्ट कोई समझाएगा इंसानों को आकर के? नहीं नहीं भाई ठीक है आपकी बात मान रहा हूँ मैं, लेकिन कज्जातु मिन अल्लाह किताब मुबीन जो है, कज्जातु मिन अल्लाह नूरुम व किताबु मुबीन जो है जी जी, इसमें इमाम सभी जिनको आप मानते हैं नहीं इमाम तबरी की बात चली ना जी जी, इमाम तबरी जो जी जी, आप जो ये बता रहे हैं कि इमाम तबरी ने जो इसकी तफसीर फरमाई जी जी, नूरे मोहम्मद नूर से मुराद मोहम्मद अरबी की बात, हाँ आपने सबसे पहले तो इमाम तबरी क्या क्या नहीं फरमाई है नूर से मुराद मोहम्मद की जात नहीं है, यहाँ जिब्रील है तो नूर हिदायत है। देखें मुफ्ती साहब मैं अभी भी कह रहा हूँ आप ये बताएं कि इमाम तबरी की जो आपने ये बात की सही है क्या चीज कि आपने अभी कहा था ना इससे पहले कि नूर से मुराद यहाँ पे जिब्रील है, हाँ जिब्रील है ना यहाँ पर नूर से मुराद, कहाँ है कहाँ इमाम तबरी फिर गलत लिख रहे हैं? नहीं नहीं इमाम तबरी की अपनी तफसीर अपनी खुद वो अपनी तफसीर है मतलब अपनी राय है उनकी, ऐसा तो नहीं वो इस पर इजमा नकल कर रहे हैं कि भाई इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, तफसीर तफासिर में भी इख्तलाफ होता है ना, कोई मुफसिर कुछ और माना लेता है कोई और मुफसिर कुछ माना लेता है, पेश की है कि नूर से मुराद जिब्राइल है बेशुमार तफास, अब ऐसा नहीं मेरे सामने में खोल के बैठा हुआ हूँ, अब आपके सामने हो सकता है जब आप किसी से बात करें ना किसी चीज